नमस्कार, ससी लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं कीरिंग होल्डर। तो इसमें जो हमने नॉट इस्तेमाल करी हैं उसकी डिज़ाइन मैं पहले आपको बता दूंगी, जिससे बनाने में आपको आसानी होगी। इसको बनाने के लिए आप पूरी वीडियो ज़रूर देखें। आप रिंग को इस तरह से कहीं भी बांध के टांग सकते हैं। ये डोरी है, इसको बीच से हम मोड़ लेंगे और इसके अंदर से रिंग के और फिर इसके बीच से हम इस तरह से दोनों डोरियों को निकालेंगे। इस तरह से हमको रिंग में बांधना है। देखिए, डोरी को ऐसे सेंटर में पकड़ेंगे और रिंग के ऊपर से हम डाल के बैक साइड से लाएंगे और इस डोरी को हम इसके अंदर से निकालेंगे। इस तरह से हम सारी नॉट को लगा लेंगे। देखिए, डोरी को हम बीच से मोड़ेंगे और इस तरह से हम रिंग के ऊपर से इस डोरी को नीचे लाएंगे और इस डोरी को हम इसके अंदर से इस तरह से निकाल लेंगे। इस तरह से सारी नॉट को हमें लगाना है। ये मैं आपको एक डिज़ाइन बता रही हूँ। अब देखिए, आपको हम नॉट बनाना सिखाएंगे। तो हम जितनी भी डोरी बांधते हैं, अब देखिए जो उसमें हमने डिजाइन बनाई है, तो जो सेंटर की डोरी है वो हम चार डोरी इस तरह से ले लेते हैं और इसमें भी ये जो साइड की डोरी है इनसे हम डिजाइन बनाएंगे। सेंटर की डोरी को हम ऐसे सहारा देंगे और लेफ्ट साइड की जो डोरी है उसको हम इस तरह से मोड़ देंगे और इसके ऊपर से राइट साइड की डोरी हम ऐसे रखेंगे और फिर इसको हम बैक से, देखिए जो हमने गैप किया था, थोड़ा सा गैप रखते हैं, उसके अंदर से हम इसको इस तरह से निकाल लेंगे। ये देखिए, एक नॉट बन गई। अब आप देख सकते हैं, ये डोरी देखिए ऊपर से दिख रही है और ये नीचे से। तो जो डोरी इस तरह से हमको दबी हुई दिखती है नीचे से, इसको ही हम मोड़ेंगे, देखिए इस तरह से, और ये थोड़ा सा गैप रखते हैं और इस डोरी को हम इसके ऊपर से लाएंगे और इस डोरी को थोड़ा हाथ से सहारा दिए रहेंगे और इसके अंदर से हम निकालेंगे और इसको दोनों को हम खींच देंगे। ये देखिए, नॉट कितनी अच्छे से बन गई है। देखिए, इस तरह से हमें आगे की भी नॉट लगानी है। अब देखिए, अब आप देख सकते हैं, देखिए ये डोरी नीचे से है और ये डोरी ऊपर से है। तो जो डोरी नीचे से आती है हमेशा वही इस तरह से मुड़ेगी। आप जब भी इसको मोड़ेंगे ऐसे थोड़ा नज़दीक लाइए और ऐसे अंगूठे का सहारा दीजिए और ये गैप रखिएगा और इस डोरी को इसके ऊपर से लाइएगा, इस डोरी के ऊपर से, और फिर इस तरह से बैक से ला के, देखिए आपको इसे इस तरह से निकालना है। देखिए, नॉट बन गई। अब फिर देखिए, ये डोरी नीचे है, इसको हम ऐसे मोड़ेंगे और इस डोरी के ऊपर से ला के इस तरह से हम इसके अंदर से, देखिए निकालेंगे। देखिए, हम आपको बहुत आराम से ये नॉट बता रहे हैं, आप कोशिश करेंगे आपको ज़रूर आएगी। और ये देखिए, फिर ये डोरी ऊपर है, ये नीचे है, इसको आप फिर ऐसे मोड़िए, इसके ऊपर से लाइए, दोनों डोरी को ऐसे खींच दीजिए। इस तरह से ये बनता जाएगा। देखिए, इस तरह से अगर चैन बन रही है तो आप समझ लीजिए कि आपकी नॉट जो है बिल्कुल सही लग रही है। देखिए, अब देखिए, जो हमने वो ट्रायंगल शेप बनाया है कीरिंग का, कीरिंग स्टैंड जो बनाया है, तो उसमें क्या है, जैसे हमने ये नॉट लगाई है, ये नॉट लगी है, तो उसमें ये इसके ये दो और आगे की ये दो डोरी, इसमें हम सेम वही नॉट लगाएंगे जो हमने ये ऊपर लगाई है। तो इस तरह से जैसे वो लगाई है उसी तरह से इसको हमें सेम उसी तरह से लगाना है। हम इसको मोड़ेंगे इसके अंदर से,
ये हमारी दूसरी नॉट लग गई। फिर हमें आगे बढ़ना है तो इस नॉट की ये दो लेंगे और इस नॉट की ये आगे की दो डोरी लेंगे, तो अब इन चारों से नॉट लगता है। तो जो हमने ट्रायंगल बनाया है उसमें यही है कि दो इस नॉट की लेंगे और दो आगे की डोरी लेते हुए हमें वैसे ट्रायंगल शेप दिया है, इस साइड में भी और इस साइड में भी। अब इसे हम बना के आपको दिखा रहे हैं। इस तरह से बनाएंगे और इधर जो है वो डोरियां थोड़ी थोड़ी छूटती जाती हैं, तभी वो ट्रायंगल शेप में आता है। और इसी तरह जैसे हमने इधर बनाया है इसी तरह इस साइड में बनाएंगे। ये दो डोरी लेंगे और ये दो डोरी लेंगे। ये हम छोटा सा आपको सिर्फ एग्जाम्पल बता रहे हैं, बाकी तो आगे की वीडियो में पूरी डिजाइन है। इस तरह से ये हम दो डोरी लेंगे इसकी और ये दो डोरी। अब इस पे नॉट लगाएंगे। जो ये रिंग है रिंग को आप कहीं पर बांध के लटका देंगे तभी आपको डिजाइन अच्छी बनेगी। अगर आप कहीं रख के बनाएंगे तो थोड़ा सा आपको बनाने में प्रॉब्लम होगी। जब उसे थोड़ा हैंगिंग कर देंगे तभी आपका बनेगा। देखिए छोटा सा है लेकिन ये देखिए ट्रायंगल शेप में। इसी तरह अगर इसमें और डोरी होंगी तो हम इस दो डोरी को पकड़ेंगे और जो आगे की डोरी होंगी इधर बंधी होंगी वो हम इसी तरह से ऐसे बनाते चले जाएंगे। फिर उसके बाद ये देखिए जहाँ पर इस तरह का शेप आ जाता है तो समझ लीजिए इसमें फ्लावर बनेगा। फिर वो सेंटर में इस तरह से बन जाएगा फ्लावर। इस तरह का शेप आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स बनाते हैं कीरिंग होल्डर। इसमें जो भी मटेरियल लगा है वो हमने वीडियो में दे दिया है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप देख सकते हैं। इसके लिए हमने 100 ग्राम डोरी लिया है और उसको 4 मीटर की बराबर 12 डोरी काट ली है। एक डोरी 1 मीटर की ली है जो रिंग में लपेटनी है। कुछ हमने बीड्स लिए हैं, बीड्स आप अपनी मनपसंद के ले सकते हैं। एक रिंग 2 इंच का है, कैंची है, जोड़ने के लिए लाइटर है और 6 कल्टर रिंग है। अब रिंग में डोरी को कैसे लपेटना है वो आप देख सकते हैं। ये देखिए पहले सिंपल नॉट लगाएंगे और फिर इस डोरी को हम थोड़ा सा ऊपर गैप करेंगे और रिंग के नीचे से लाके उस गैप से हम निकालेंगे और इसको टाइट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से आप, ये देखिए ये भी नॉट इसी तरह लगेगी। सारी नॉट इसी तरह से आपको लगानी है। आप ऊपर थोड़ा सा गैप करिए और बैक से डोरी ला के इस डोरी को इसके अंदर से निकालिए। इस तरह से इस पूरे रिंग को हम बांध देंगे, लपेट देंगे। और जो एक्स्ट्रा डोरी बचेगी उसको हम काट के इस तरह से पीछे से पेस्ट कर देंगे। अब उसे हम एक धागे से लटका देंगे और डोरी को बीच से पकड़ के रिंग के अंदर डाल के उसके अंदर से हम निकालेंगे। ये डिजाइन हम आपको आगे दिखा चुके हैं। सारे डोरी को हमने बांध लिया है। अब सेंटर की दो डोरी को पकड़ के हम ये मोती डालेंगे और मोती डालकर जैसे हमने पहले डिजाइन बताई है, शुरू में हमने आपको सैंपल बताया है, उसी तरह से इसमें हम नॉट लगाएंगे। ये देखिए डोरी के ऊपर से इस तरह से निकाल के नॉट लगाएंगे। ये देखिए मैं पहले आपको बता चुकी हूँ तो वहाँ से आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। यह नॉट आपसे आराम से बन जाएगी। अब इस नॉट की दो और आगे की दो नॉट लेके हम इस तरह से नॉट लगाएंगे। फिर हम इस नॉट की दो लेंगे और आगे की दो लेंगे।
सेम यही हम इस तरह से करते जाएंगे तो इसका जो है शेप ट्रायंगल शेप में ये बन जाएगा। अब फिर हम इस नॉट की दो डोरी लेंगे और आगे की दो डोरी लेंगे। इसे हमें ट्रायंगल शेप देना है, इसलिए देखिए ऊपर से भी डोरी हम इस तरह से छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरह से हम छोड़ते जाएंगे। इस तरह से हम इस साइड का पूरा डिजाइन पूरा करेंगे। अभी लास्ट में दो डोरी और रह गई हैं, उसमें भी हम उसी तरह से नॉट लगाएंगे। इस नॉट की दो डोरी और आगे की दो डोरी को लेके हम फिर वही नॉट लगाएंगे। और ऊपर से देखिए ये वी शेप में आ रहा है, तो इसी तरह से आना चाहिए क्योंकि ये हम ट्रायंगल शेप में बना रहे हैं। और इस साइड भी हम जैसे इस तरह बनाया है इसी तरह बनाएंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए हमने आपको डिजाइन पहले स्टार्टिंग में ही समझा दी है। ये देखिए दो लाइन पूरी हो गई हैं और साइड से ये एक एक डोरी छूटती जाएगी। अब सेंटर में हम कर्टन रिंग लगाएंगे, जो सेंटर की जो दो डोरी हैं उसके ऊपर इसको हम रखेंगे और सेम उसी तरह से हम नॉट लगाएंगे। डोरी के नीचे से लाएंगे और रिंग के ऊपर से, तो ये रिंग भी उसी में बन जाएगा। ये देखिए रिंग के ऊपर से इस डोरी को रखेंगे और राइट हैंड वाली डोरी को इसके ऊपर से डोरी और रिंग के नीचे से ला के ये नॉट हम लगा देंगे। ये देखिए ये रिंग हमारा फिक्स हो गया है। आप चाहें तो इसके ऊपर दो डोरी भी बांध सकते हैं, नहीं तो एक भी नॉट में वो फिक्स हो जाता है। देखिए अब इसी तरह से बनाते जाएंगे और साइड की एक एक डोरी छूटती जाएगी। देखिए अब फिर सेंटर में एक नॉट लगेगी। ये जहाँ पर गैप दिखता है वहीं पर ये नॉट बनती है। देखिए अब इस तरह बनेगी। देखिए जो इस तरह से वी शेप में गैप दिखता है वहीं पर ही नॉट बनती है। देखिए अभी एक नॉट और बनेगी। ये हमारा ट्रायंगल शेप में एक डिजाइन कंप्लीट हो गया है। अब हम दूसरी बनाएंगे। आप जितनी लंबी डोरी काटेंगे आपका उतना लंबा ये बन जाएगा। देखिए हमारा कीरिंग का एक डिजाइन कंप्लीट हो गया है। अब इसके हम सेंटर की डोरी लेंगे दो और उसमें मोती डालेंगे जैसे ऊपर डाली थी, और उसी तरह से हम डिजाइन बनाएंगे जैसे सेम ऊपर बनाया है। दोनों साइड में भी हम उसी तरह से डिजाइन बना लेंगे जैसे ऊपर का बना है। सारे डिजाइन इसी तरह से बनेंगे। देखिए हमारा कीरिंग स्टैंड बनकर कंप्लीट हो गया है। अब जो डोरी बची हैं
तो दो डोरी पकड़ के हम एक साथ उनको काटेंगे, फिर उससे थोड़ी बड़ी काटेंगे। इस तरह से सारी डोरी हम काट लेंगे। अब दो डोरी पकड़कर उसमें हम ये मोती डालेंगे। मोती डालकर उसमें हम इस तरह से दूसरी मोती डालेंगे। ये इस तरह से, इसको लटकन बोलते हैं, ये देखिए। और लाइटर की मदद से उसको हल्का सा गर्म करेंगे और हाथ से चिपका देंगे। इस तरह से सारी कटी हुई डोरी में हम मोती और लटकन लगा लेंगे। ये देखिए, हमारा कर्टन होल्डर बनकर तैयार हो गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।